बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अवाम का टीवी। जी हाँ नसरीन, जी हाँ रहीम परदेसी उर्फ नसरीन ने कर ली है दूसरी शादी। सबको हंसाने वाले रहीम परदेसी, जो कि एक बहुत अच्छे कंटेंट राइटर भी हैं और बहुत ज्यादा मशहूर हैं यूट्यूब पर, सबको हंसाते रहते हैं, उन्होंने कर ली है दूसरी शादी। दूसरी शादी किससे की, पहली बीवी कौन है, पहली बीवी में से कितने बच्चे हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अवाम का टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, उनकी पहली बीवी थी सुमैरा, जिनसे अभी भी वो शादी कायम रखे हुए हैं और उन्हें डिवोर्स नहीं दी है। पहली बीवी सुमैरा में से उनके तीन माशाल्लाह बच्चे हैं, दो बेटे हैं और एक बेटी हैं, और बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक उन्हें मोहब्बत हो गई किसी और से। रहीम परदेसी, उनकी वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं यूके में, और वहीं से वो ब्लॉगिंग करते करते हो गए मशहूर, और नसरीन नामी खातून के नाम से उन्होंने अपने ब्लॉग्स को मशहूर करवाया। लेकिन नाज़रीन, लोगों को हंसाने वाले रहीम परदेसी के लिए लोग हो गए शॉक जब उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है, और एज यूजुअल उन्होंने यही बताया कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं, उनकी बीवियां आपस में जी बड़ी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और ये जो दूसरी शादी भी थी वो उन्होंने की है एक बहुत ज्यादा मजबूरी में। दूसरी वाइफ है उनकी सोमिया, जो कि बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है और वो एक कानों की डॉक्टर भी हैं। रहीम परदेसी ने लोगों को शॉक कर दिया जब उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया कि हाँ जी ये मेरी दूसरी बीवी है, और बड़े फखर से उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा हंसी खुशी रह रहे हैं, जैसा कि हर दूसरी शादी करने वाला इंसान नाज़रीन कहता है। वैसे मुझे नाज़रीन आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी है कि वो ऐसे कौन से हालात हो जाते हैं कि इंसान दूसरा निकाह करने पर ही मजबूर हो जाता है, और हलाल चीजों में से एक मर्द हमेशा दूसरी शादी को ही चुनता है। वो कहते हैं कि मेरी दोनों बीवियां आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। खैर, ये तो उनकी पहली बीवी ही ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकती हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो प्लीज अवाम के टीवी को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अपना भी ख्याल रखें, कभी किसी का दिल मत दुखाएं, मेरे चैनल को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।